Okay, students, taking a reading on vernier caliper. Vernier caliper के ऊपर हम रीडिंग किस तरह से ले सकते हैं? यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है जो राउंड शेप में है, उसका डायमीटर फाइंड करना है। अब ये क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है? इस सरफेस को, इस सिलेंडर को हम जार के अंदर स्लाइटली फिक्स करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ से हम रीडिंग चेक करेंगे, पहले ज़ीरो एरर फाइंड करने के बाद, ठीक है? जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो नीचे वाले जार्स हैं वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करते हैं, और ये जो ऊपर वाले हैं इससे इंटरनल। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ग्लास है, उसका हमने अगर इंटरनल डायमीटर करना है तो हम ग्लास को उल्टा करके ये जो जार्स हैं इसको अंदर फिक्स करके जो ये मूवेबल है इसको स्लाइड करेंगे, तो जहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि हम किस तरह से रीडिंग इसकी चेक कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मेन स्केल के कौन सी लाइन वर्नियर स्केल के साथ बिल्कुल मैच कर रही है, ज़ीरो वाली लाइन जो सबसे पहली वाली है उसको देखने, उसके बाद जो अपना ज़ीरो एरर आएगा, ज़ीरो करेक्शन होगी, वो हम लोगों ने करनी है, ठीक है? इसी के बिल्कुल अगले पेज पे ये जो डायग्राम बनाई हुई है इसी को एग्ज़ाम्पल में सॉल्व किया हुआ बुक के ऊपर, आप लोगों ने वो एग्ज़ाम्पल को भी अपनी कॉपीज़ में सेम वैसे ही नोट करना है। जब आप उसको नोट करोगे तो बड़े ध्यान से आप लोगों ने करना है, समझना उसको, तो उससे आपको ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन की बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी।